चार रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन मिल जाएगा ना आशी। आशी कल से डबल ले जाएगा, डबल ए शायद, डबल ए लाइव है। देखना जल्दी से आर ए एन डी एच आई आर, डी एच आई आर नहीं नहीं आर ए एन डी डबल ई पी आर। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेट करो जरा, मैं तुम लोग आई आशीष सिंह हेलो लफ्जों में क्या कहना, आंखों से तू पढ़ लेना, दिल तुझको चाहे बेपना, जिसने गाया उसको भी ऐड कर ही लेते हैं यार, पता नहीं कहाँ गुम है अभी तक। कर लीजिए, हमें उनका गाना, उनकी आवाज लाइव सुननी है। अरे तुम्हारा हीरो 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 भाई साहब कहाँ है? संदीप भाई, हेलो, हाय भैया, हाय आशी, हाय, कैसे हो आशी? जब तक तुम फैन से बातें करो, जब तक मैं रणदीप को भी ऐड करता हूँ। यो श्योर, तो क्या आप लाइव गाना गाने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूँ मैं लाइव गाना गाने। एक्टिंग ये करेगा, गाना तुम गाओगे? अरे अनंत ने तो नहीं थी, हाँ उसने सुना नहीं, उसका नेटवर्क वो हो गया सही। जब मैं सिर्फ लिप सिंक करूंगा, आपको गाना गाना। क्या आशी, एक सेकंड, क्या दे रहा कि नहीं? बहुत वीडियो अटक रहा है तुम्हारा। हेलो हेलो फैंस, हाय, आ रहे भाई, ऐड हुआ क्या संदीप? नहीं अभी तक तो नहीं ऐड हुए। हेलो जिगर भाई, इन्होंने ही इतना अच्छा वीडियो बनाया है, ध्रोल भाई और जिगर भाई ने। आशी चली गई भैया वापस, भाई आप आए, आशी चली गई, ये कैसा जादू है? ये बस यही जादू है भाई, ये बेकाबू हो रहा है ये जादू। हाय भाई, कैसे हो भाई आप लोग? अरे कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। क्या गाना गाया आप? भाई आपने यार, मतलब आज मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाया। ओह भाई कैसे हो आप, तबीयत कैसी? भाई मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। गलियों में तो नहीं घूम रहे थे किसी की? नहीं भाई वो छोड़ दिया अब करना मैंने। शूट पे था भाई, अभी घर आया हूं। लोग बोले लाइव लेट क्यों आ रहे, मतलब शाम में रणदीप वेट करता है इसीलिए लेट आ रहे। आशी 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 बोल रही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे तीन ही लोग हो सकते हैं मैक्सिमम? नहीं नहीं भाई, चार आ गए। वो क्या वो एक्ट्रेस वाली फील थी ना कि हमेशा एंड में आना चाहिए, तो बोले मैं पहले आगे, रुको थोड़ा लेट आती हूँ। अरे आशी यही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है रणदीप, यू नो आई डोंट डू दैट। हाँ ये नहीं करती हरकत, मैं करता हूँ अभी भी करते हो? अब छोड़ दिया। देखो मैं गिटार के साथ लेके बैठा हूँ ईशान को, और वहाँ सिंगर लेके, सिंगर है, गिटार यहाँ से बजेगा। अब मैं पहले ईशान से मिलो ना, ईशान भी सिंगर है। मिले 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 हो घर पे? मिले थे। हाय आशी, हाय ईशान, कैसे हो? मस्त लग रहा है यार वीडियो, मस्त मस्त मजा आ गया। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कमाल लग रहा है, मैं खुद सुबह से 5 से 6। अरे वो भी टाइम देख रही हूं। अच्छा आशी, आशी फोन करके पूछती है कि ये नहीं पूछती कि वीडियो कैसा लगा,
मैं ब्यूटी लग रही हूँ ना, ऐसा पूछती है आशिका। ओह गॉड, नेटवर्क। अरे यार तू जियो का नेटवर्क ले ले ना, तेरा नेटवर्क बार बार अटक रहा है ऐसा। तू आज तक के एयरटेल में घूम रही है तू। जियो का है, मैंने चेंज किया, मैंने पोर्ट कर लिया। मुकेश अम्बानी जी घर पे आके देंगे तभी तू लेगी क्या? मुझे जियो वाले भी नेटवर्क नहीं देते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। यार भाई पहले तो बताओ क्या सबका, आप लोगों के सब फैमिलीज का और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा वीडियो को और गाने को लेके? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट आप मुझे बताओ। आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ ऑफकोर्स, दोनों से पूछ रहा हूँ। तो आशी चलो लेट्स स्टार्ट विद मी। बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे तो, जिस जिसने भी देखा सबने बोला कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और गाना बहुत प्यारा है, बहुत ही अमेजिंगली शूट हुआ है, और हम दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं एंड इट्स क्यूट नाइस। और सारे फैंस के तो कॉमेंट्स सब पढ़ ही रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइज लव यू, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस सॉन्ग सो मच। एक बैड कमेंट नहीं आया पूरे गाने पे, सबसे अच्छी बात है इस गाने की, कहीं कोई कमी नहीं थी। ये मेरे और से रिएक्शन मिला मुझे। भाई एक टीम को बोल के करवा दो ना, वो काला टीका लग जाएगा उस पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, टीका क्या लगाना है, हम लोग कंटेंट अच्छा बनाएंगे, लोग पसंद करें वही बेस्ट है भाई। मिर्ची पे गाते तुम, मैं क्या वीडियो में तुम दोनों गाते हुए कुछ बोल रहे थे भाई? आप बोलो। मैं कह रहा हूँ मिर्ची पे गिरा दिया, मिर्ची पे। हाँ वहाँ बोलते आपको बहुत तकलीफ हुई थी, मिर्ची पे गिर गिर के तबियत खराब हो गई थी। अब क्या बताऊँ, तो रात गई बात गई भाई। हाँ लेकिन हो गई थी भाई, बिल्कुल लाल हो गए थे। खाली दो तीन खाली थी। नहीं नहीं भाई हम मिर्ची पे मतलब ऐसे लोग फूलों की रोमांटिक गाने में फूलों की पंखुड़ियों पे गाते हैं, डिफरेंट लगता। हाँ तीखा वाला प्यार था, तीखा वाला प्यार। अभी आपकी आवाज में जरा गाना भी सुना दो भाई। मेरी आवाज में? आपकी आवाज में सुना दो। मेरी आवाज में नहीं भाई, आप भी सुना दो। नहीं ये अभी गाएगा, अभी के साथ साथ। हाँ अभी हम ये काम अभी को करने देते हैं, अभी नहीं हमेशा, ये काम हम इनको करने देंगे। यस अभी चलिए, मेरे ख्याल से अंतरे से स्टार्ट होना चाहिए, वो मुझे ज्यादा पसंद आता है, इसलिए आज मैंने मेरे इस पोस्ट में भी वही अंतरे को ही लिख दिया था पूरा। शाम जो होए मैं तेरा इंतजार करता हूँ, बेवजह तेरी गली से रोज ही गुजरता हूँ, भूल से कहीं मुझे तू मिल जाए यार। हाँ एक यही दुआ तो करके घर से मैं निकलता हूँ, तेरी गलियों में आके तेरी खिड़की पे ताके, खिड़की पे आ जा जाने जा, तू घर की छत पे आके कागज पे लिख के बता दे कल हमको मिलना है कहाँ। देर ना दिल तुझको चाहे बेपनाह, लफ्जों में ये क्या कहना। आइडिया अटक गया बेसिकली, एयरटेल जियो सही है, आइडिया लटक गया इस बार। तो मैं आपको एक दिव्यांश से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ भाई, दिव्यांश एक पोएट है, वो बहुत आप लोगों का फैन भी है। आओ दिव्यांश जी यहाँ पे, ये कुछ चाहता है कि गाने के बारे में मैं जानू, तो आप मिलोगे दिव्यांश राणा से। हाय कैसे हो आप सब?
हाय रणधीर, हाय आशी, अभिषेक भाई तो खैर कैसे हो भाई आप अपने लोग? और कैसा लग रहा है गाना आया अभी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस का? बहुत अच्छा, कितना सुकून, कितना प्यार लग रहा है, काफी अच्छा। इनफैक्ट क्योंकि गाना इतना अच्छा आया तो अलग ही अच्छा लग रहा है, फील भी अच्छा हो रहा है, बिकॉज़ हमें पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा डिलीवर किया है तो करेक्ट। वो बात तो है। और एक कुछ ऐसे मेमोरीज रही होंगी कुछ की शूट के टाइम पे, कुछ मजा आया हुआ, जैसे मिर्च तो खैर रणधीर भाई पे पड़ी कुछ, अभी सुन रहा था मैं, सर कह रहे थे, और कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो? फनी? हाँ कुछ। रणधीर ने तो बहुत दर्द में शूटिंग की है तो फनी तो क्या ही हुआ। हाँ फनी तो कुछ हुआ नहीं, बुखार जरूर। रणधीर भाई अपना दर्द बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे? इतना कुछ सहा है। मैं लाइफ में उतना बीमार कभी नहीं हूँ, के बाद में 15 दिन तक बीमार था तो मैं, हाँ तो मुझे हमेशा याद रहेगा ये गाना। तो जब ये गाना आया भी था ना तो मेरे को वो मेमोरीज आ रही थी, मैं कह यार हाँ इस टाइम पे मेरी शुरुआत हो गई थी वो, तो मैं बीमार हुआ था, बट ठीक है यार अच्छा था। बाद भी हमने सब अच्छे से शूट किया, जितना बेस्ट पॉसिबल हुआ हमने, सबने अपना 100% दिया। खूबसूरत चीजें मेहनत मांगती है। अच्छा आशी, आप मेरे को वो उसमें बहुत प्यार लग रहे था, वो डांस टाइप कर रहे थे, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं भरतनाट्यम कुछ, इंडियन क्लासिकल कुछ था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल अच्छा, ओके एकदम सेम है। मुझे भी ज्यादा नहीं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। थैंक यू। सबसे ज्यादा मैं एक्चुअली उसी चंग के लिए डर रही थी, मैंने लाइफ में पहली बार क्लासिकल डांस अटेम्प्ट किया है, और ऑफ कोर्स जब हम शूट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं होता, एक लिमिटेड टाइम। और अच्छा आशीन, पता मैं ना आपसे कभी मिला नहीं था, हम मिले थे एक बार तेरी आदत वाली पार्टी में, मैं आपको जानता नहीं था उस टाइम पे। और क्या हुआ, मैंने एक फोटो डाली थी साइड में, आप थोड़े से कहीं दिख गए थे उस फोटो में, तो मेरे को एकदम से इतने भयानक, मतलब मेरा इंस्टाग्राम देखा मैं, एकदम से इतने मैसेज आ रहे हैं कि आशी मैं सॉरी मैं जानता भी नहीं था आपको, और फिर मैंने देखा इतना क्रेज, लोग इतना प्यार करते हैं लोग आपको, तो मेरे को अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक मैसेज है लोगों के कि भैया आप इनका इंटरव्यू लोगे, प्लीज मेरे को मिलना है, ये सवाल पूछने हैं आपसे, कल हम लोग मिलेंगे 5-6 मिनट के लिए, तो फिर मैं वो सवाल लेकर आऊंगा, फिर बात करेंगे हम। और अभिषेक भाई आपने जो आलाप लिए हैं, अच्छा भैया उन्हें बोलते क्या है वो, नीसा, वो मेरे को बहुत पसंद आया जो आपने किया, सरगम बोलते हैं सॉरी वो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा हूँ, छोटा भाई सीखने आया है आप सिखाओगे। अच्छा मैं सर को, सर प्लीज आप आइए, और हम कल मिलते हैं सर, बैठता तो भाई आज रात भर सोना नहीं, गाना कम से कम सुनते रहो कंटिन्यू और लोगों को सुनाते रहो। भाई मैं वही, हाँ सही है, मैं वही सभी गाना, हाँ मैं पूरा दिन सेट पे, सो मेरे बहुत रोने वाले सीन चल रहे थे, एक सीन एक शॉट दे रही हूँ एंड देन गाना सुन रही हूँ, लाइक कांट गेट ओवर इट। सारे रोने वाले सीन चल रहे थे, सीरियल वाले, अरे यार ये कसम है सीरियल का जो रहता है ना वर्क बहुत डेडली रहता है भाई, हैट्स ऑफ आप लोगों को इतना वर्क उसमें, सीरियल एक अजीब, एक ही दिन में पूरी वो मूवी के जैसा वर्क होता है। पर आपके तो बाल भी इतने छोटे छोटे रहते हैं उसमें, देखा ना हाँ, वो वाली सीरियल वाली ट्रेनिंग है, उसी की वजह से रणदीप बीमार होके भी उसने एल्बम शूट कर अच्छा। नहीं क्या बात है, मैं बोल रही हूँ सीरियल की ट्रेनिंग की वजह से ही तुमने बीमार होने के बाद शूट कर ली, वी आर ट्रेन्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। या जब तुम्हारा जब सीरियल आया था ना, मैं सीरियल्स बहुत कम देखता था, मैंने वर्षा को जब वो फर्स्ट उसका फर्स्ट लुक आया था ना, उन जब उन दिनों की बात है, काम मैं वर्षा को बोला था सीरियल कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत, मैंने कभी कोई सीरियल आज तक देखा नहीं, बहुत पहले देखता था, तो एक वो सिर्फ राजीव का और जो आमना वाला आया था वो देखा था कहीं, तो होगा कशिश बहुत पसंद था वो भी। अभिषेक भाई आप कुछ कहना चाहोगे? अभिषेक भाई तब से शांत है। नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, क्या 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 अभिषेक भैया ज्यादा बोलते भी नहीं, वो सिर्फ अच्छा गाते हैं, आपको पूरा देश सुन रहा है, कोई नहीं अभिषेक भाई को पूरा देश सुन रहा है, हाँ ये वहाँ सुनाते हैं अपनी आवाज, हाँ मैं बातें सुरों में करता हूँ। क्या बात है, क्या बात, YouTube विदेश में भी चलता है, देश में नहीं चलता, नहीं नहीं वो बात है, 124 कंट्रीज में था ना आपका गाना, मैंने देखा था लास्ट है Spotify 137 और सब शांत क्यों हो गए अभी? हाँ यार
रणदीप भाई है ना, 4 लाख से, 4 लाख से ज्यादा ऊपर क्रॉस कर चुके हैं ना, 4 लाख ज्यादा आलीशान पे आ गए। वीडियो अटक गया भाई। हाँ अभी आए। अच्छा आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है भाई। आप लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो मैं चाहता था अगर गाने को हटा दिया जाए और सिर्फ इशारों में आपको वो सारे लिरिक्स अगर गाने हो तो आप कैसे करेंगे? सिर्फ एक्सप्रेशन से आपको सारा गाना गाना। वोडाफोन तो कॉफी में हाँ यार बहुत नेटवर्क। तो भाई आप आशी ने सुना रिहर्सल कर ली है उन्होंने। आप एक लाइन गाओ हमारे गाने क्या? और फिर जो लड़की की लाइन क्या, मतलब किसी की भी लाइन कोई भी। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इतने अच्छे एक्टर हैं तो जो लिरिक्स है, अगर लिरिक्स को जो है आपको एक्सप्रेशन से समझाना हो, एक्सप्रेशन बिल्कुल, तो मैं वही एक लाइन भाई पहले गाएंगे, एक लाइन गाएंगे और फिर वो ओके ओके हाँ ओके। लफ्जों में क्या कहना, आंखों से तू पढ़ लेना, दिल तुझको चाहे बेपनाह। ओके बताए आपकी बारी है भाई, दूसरी लाइन रणदीप भाई। ये तो आशा कर दिया। तेरी गलियों में आके, तेरी खिड़की पे ताके, खिड़की पे आ जा, जाने जा भाई। साथ साथ में नहीं करना अभी, आप बताओ इसको। आशी ने साथ में किया इसलिए मैंने साथ में किया और मेरे को डिफिकल्ट लाइन दे रहे हो आप। अच्छा ऑडियंस के बहुत सारे सब फैन लोगों के मैसेज आ रहे हैं आप सबको, तो मैं ऑडियंस को बोल दूं कल हम लोग, आप सब लोग जितने भी अभी गाने हैं प्लीज गाना सुनिए और गाने पे कमेंट करिए, और कल जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा, कल हम लोग बातें हुए दिव्यांश राणा का एक एपिसोड शूट करेंगे लाइव में ही, तो हम वहां पे वो कमेंट देखेंगे, जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा आप प्लीज गाने पे जाइए और कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। और नहीं है ये इनके फ्रेंड्स जो है एसडीपीएंस, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई, और मैसेजेस में पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं वो इनसे। चलो हम लोग कल मिलते हैं आशी। अच्छा आप फैन से बात कर लीजिए, ठीक है हम लोग कल मिलते हैं, कल हम प्रॉपर सेगमेंट करते हैं बातें दिव्यांश राणा का, और ऑडियंस को मैं ये बोलूंगा, फैंस को, आप सबको प्लीज गाना सुनिए ज्यादा से ज्यादा और ऐसे ही प्यार करते रहिए। बिल्कुल कल मिलते हैं हम सब लोग, ठीक है सर। आप प्लीज भाई आ जाइए, ये खुद के प्रमोशन में लग गया ये पोएट बाबू। आ जाओ पोएट बाबू, जरा दिल तुझको चाहे प्रमोट कर दो, दिल तुझको चाहे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गाने से रिलेटेड फैंस कुछ बातें भी करना चाह रहे हैं भाई, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई खुशी है आपको दिल भेज रही है जिसको देख के आशी थोड़ा सा एंग्री हो रही है? एक खुशी है, ये सुष्मिता कौन है भाई? ये 2-3 दिल एक साथ भेज रही है, उसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा है भाई। उसने पड़ोसियों की बहुत भाई, ये नैना है, ये भी आशी के लिए दिल भेज रही है। अजीम सर आए, तो जरा आप फैन से भी बातें करो भाई, बहुत फैंस आप लोगों के मेरे को इतने मैसेज करते हैं कि दोनों को साथ में लाइव लो लाइव लो, जब गाने का फर्स्ट पोस्टर भी नहीं आया उसके पहले से गाना लाओ, तो पहले गाना लाने से पहले पूछते कि लाइव कब ला रहे हो, अरे मतलब भाई गाना आएगा जब लाइव आएंगे, गाने का पोस्टर नहीं आया तो मुझे डीएम पे मैसेज आते थे कि इनको लाइव लेकर आओ करके, मुझे तो लोगों को गाना देखने से ज्यादा आप लोगों को लाइव देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, तो गाना लाइव कर देंगे अभी? बिल्कुल कर दो भाई, आप बैठे ही हो मेरे को लग रहा है कब से गाने के सामने, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। क्या गाने के सामने ही बैठे हो लगता है आप स्क्रीन पे? कर दो भाई, बिल्कुल गाना भी दिखा दो लाइव में लोगों को। आशी का फिर से नेटवर्क चला गया है यार, आशी का नेटवर्क भी बदलना पड़ेगा हमें। मेरे को तो लग रहा है भाई, पहले वो हच कोई पुराने नेटवर्क नहीं आते थे क्या, लगता आज तक वही यूज कर रही है यार। ये फ्रंट कैमरा हो जाएगा ना? आशी को कौन ज्वाइन कर रहा है?
मैं भेजूं उसको रिक्वेस्ट? हाँ भेज। सजन आशिक को बोलना ज्वाइन। नहीं आपको ही करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है आशी, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। क्या अंकल जी आए हैं। आशी यार तू नेटवर्क बदल ले। वाईफाई, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मेरे को घर बदलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, नेटवर्क नहीं आता यहाँ। क्या बात है ब्रो। ये देखा लड़के लड़की को, ये हाथ चला उसका। क्या बीजीएम चल रहा है भाई, वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैं क्या कह रहा। अच्छा जी, दिल तुझको चाहे बेपनाह। ये अब सपना देखेगा लड़का लड़की को। रणदीप सिंह अलोंग, ये मेरा ड्रीम। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये लड़की ने, ये तुम्हारा ड्रीम था। नॉटी बॉय। भूल से कहीं मुझे मिल जाएगा। तेरी गली में आया के तेरी घड़की पे जाके क्या बात है, ये वीडियो अपलोड हो गया। यासी पुष्पा पुष्पा कर रही है। प्यारे राम, प्यारे राम। क्या बात है, हैप्पी एंडिंग। क्या बात, क्या बात है, क्या बात भाई। ये डायरेक्टर ने जब ये शॉट लिया था ना आप लोगों का एंड का, उसके बाद बोले आप दोनों मिल नहीं रहे थे सेट पे, तो आप दोनों इसके बाद कहाँ गए थे। हम में भाई बस से हम पुणे पहुंच गए थे सीधा, उसी बस में चढ़ गए थे इधर पुणे पहुंच गए थे भाई। चंडीगढ़ से पुणे, चंडीगढ़ टू पुणे। ये गाने के भाई अंतरे पे बहुत वर्क किए, बहुत मेहनत किए। पहले तो अंतरे कितने अंतरे लिखे हैं ये भैया, जब फर्स्ट टाइम आप लोगों को सुनाया था, उसके बाद शूट करने में बहुत इसके अंतरे को लेके बहुत ज्यादा होते हैं, हम बहुत चेंजेस किए गाने में, लेकिन टच शूट जब होता है जो होता है वो बेस्ट ही होता है, बेस्ट बना है। कितना तीन साल से काम चल रहा है। हम दोनों ये गाने पे हम लोग क्यों काम करते हैं जो सालों से काम चल रहा होता है। गुड, वो भी कहते
भाई वो भी आई थिंक 2007-2008 की स्टोरी थी उनकी. हाँ बहुत टाइम से चल रही थी एंड फाइनली हमने वो किया गाना विवाह. तो ऑलरेडी बनने वाला था किसी और के साथ बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन के शूट के बाद रुक गया था. फिर वो 10-12 साल बाद हमारे साथ बना. ओके हाँ डेस्टिनी की बात है भाई. जिसकी जो लिखी हो इस गाने की डेस्टिनी जहाँ लिखी है वैसा हर सीरियल की अपनी अपनी डेस्टिनी है. जहाँ पे हो बेस्ट हो. रोमांटिक गाना तो अभी फिर अगला मैं ही बनाऊंगा ना आप दोनों का. हम आपके लाइव में डेट ब्लॉक कर लेते हैं भाई. आप कुछ बोल रहे थे वो थोड़ा सा नेटवर्क अटक गया था. कंफर्म कर दो भाई आपके अलावा कहीं और नहीं जा रहे. ये बेस्ट है. नहीं नहीं मैं इसके बाद रोमांटिक बेस्ट वीडियो करेंगे. एक और मेरे माइंड में है जल्दी शूट करेंगे उसको भी. वाह कॉन्सेप्ट भी रेडी है. चलो डेट्स ब्लॉक कर लेते हैं. कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मजा आएगा करने में. भाई मेरी तो डेट्स फ्री है अभी कुछ दिन बाद. अच्छा आपकी डेट्स का ही प्रॉब्लम होता है भाई. आपको ढूंढने के लिए 2-3 दिन लगाने पड़ते. फिर आशी पूछती रणदीप की डेट हुई. रणदीप की डेट हुई. 3 महीने हमारा वही चला कि रणदीप की डेट हो गई. इतना शरीफ भाई क्यों ऐसा कर रहे हो आप. मैंने कब बोला आप शरीफ नहीं हो. मैंने डेट्स का बोला भाई. और उसमें गलत क्या है. सही भी है. बिजी हो बिजी रहना बेस्ट है. नहीं है आप ये बताओ डिनर पे कब आना है. हाँ आप ये बताओ डिनर कब. कल फ्री हो तो कल कर लेते हैं भाई. आप बताओ मुझे कल करते हैं. आप कब तक हो बॉम्बे में. अभी तो मैं भी बॉम्बे ही हूँ कंटिन्यू. मतलब अभी तो मुझे फ्रैक्चर हुआ है तो मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ. वॉकर और व्हीलचेयर पे हूँ. हाँ राइट. आपका फ्रैक्चर कब तक के वो लग रहा है आपको. कब तक के वो हो जाएगा भाई. क्या बोला डॉक्टर. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 28th की है. तो 28th के बाद कुछ फिजियोथेरेपीज होंगी. उसके बाद आई थिंक शायद कुछ एक हफ्ते में चलने लगूंगा. हाँ ओके तो उसके बाद रखते हैं. मैं यही हूँ अभी कंटिन्यू बॉम्बे हूँ. नहीं भी होगी तो आपको बुला लेंगे स्पेशली हम नागपुर से भाई. नो प्रॉब्लम भाई. और नहीं तो आप जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाएंगे भाई. नहीं तो आप हमें नागपुर बुला. वो तो बेस्ट है. नहीं नागपुर लेके चलता हूँ ना मैं आपको होली में. होली मार्च ना. हाँ हाँ ठीक है डन. चलो होली नागपुर करेंगे. डन डन डन. मेरी डेट्स लॉक. डन है भाई. चलो तो कल भाई प्लीज आपके कुछ इंटरव्यूज हैं वो भी हो जाएंगे बेस्ट. गाना को मेरे हिसाब से शायद 12 को 12 बजे ना. अराउंड 12. हाँ हाँ 12 बजे. आशी से एक बार पूछ लेना उसका नेटवर्क. आशी का नेटवर्क फिर गया. उसका वो जो पुराना वाला नेटवर्क है उसी पे भी चल रही है. तो शायद अराउंड 12 के आसपास हम मिलेंगे इंटरव्यूज के लिए. डन भाई. कल 12 बजे का इंटरव्यू प्लान करते हैं. मैं आशी को बोल देता हूँ. डन डन है भाई. है ना. बाय. गॉड ब्लेस. थैंक यू. बाय बाय. मुझे मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है बट बाय बोल देता आपको. हमें दिख रहा है अभी तेरा वीडियो. पब्लिक को भी दिख ही रहा होगा. ओके आप बस बोलते रहो भाई. आपकी आवाज में जो ताकत है वो चेक किया. वो जो पावर है भाई. थैंक यू भाई. बस भाई. थैंक यू रणदीप. थैंक यू. अरे थैंक यू भाई. थैंक यू अभी. ओके भाई तो कल इंटरव्यूज करते हैं. थैंक यू. बाय. गॉड ब्लेस. बाय. नाइट. गुड नाइट. बाय आशी. आशी है नहीं लेकिन उसको बाय कर देते हैं. गॉड ब्लेस आशी. बाय. बाय.